अलविदा अलविदा माहे रमजान अलविदा। जुमे की नमाज के साथ रमजान के आखिरी जुमे की नमाज मस्जिदों में अदा की गई। मुस्लिम समाज के लोगों ने रमजान के चौथे जुमे, जिसे अलविदा जुमा के तौर पर भी देखा जा सकता है, की नमाज शहर के कई मस्जिदों में अदा की गई। हम आपको बता दें, मुस्लिम धर्म के जरूरी 5 फर्ज अरकानों में से एक है रोज़ा। रमज़ान में की गई खुदा की इबादत का सवाब अन्य दिनों के मुकाबले 1 का 70 गुना मिलता है। रमज़ान के तीसरे असरे में मुस्लिम समाज के लोग मानते हैं अल्लाह ने 4 आसमानी किताबों में से एक कुरान को इसी माह उतारा था। वहीं इसी असरे में 1000 रातों से बेहतर रात शबे कद्र भी आती है। इसी के साथ ही मुस्लिम समाज के लोग खरीदारी में जुट गए। वैसे तो ईद की खरीदारी पूरे महीने चलती है, लेकिन ईद के कुछ दिनों पहले खरीदारी बढ़ जाती है। जुमे की नमाज के बाद लोग टोपी और सेवैयाँ खरीदते दिखे और दुकानों में काफ़ी भीड़ नजर आई। देखिए, अभी तो चांद होने के ऊपर हो गया, जिस दिन चांद हो जाएगी ईद हो जाएगी। ये तो किस डेट पे? तो कहा जा रहा है कि जुमा को ईद हो जाएगी, और नहीं हुई तो शनिचर को ईद पड़ेगी। कब चांद दिखने में हो? चांद दिखने में अगर इंशाल्लाह ताला अगर चांद 15 को दिख गया तो 16 को इंशाल्लाह ईद हो जाएगी, और अगर नहीं होगी तो फिर 17 को तो फाइनल ही है।